हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रसासी के एक टॉप ऑफ द लाइन परफ्यूम के बारे में, जिसका नाम है ओदल बुरूज असरार इंडोनेशिया। तो असरार इंडोनेशिया का मतलब है, असरार जो है वो एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब है सीक्रेट। तो असरार इंडोनेशिया का मतलब हुआ राज इंडोनेशिया का। मैं इसको इंडोनेशिया का राज नहीं कहूँगा, मैं इसको इंडोनेशिया का ख़जाना कहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, और बात करेंगे ओद के बारे में, कुछ मिसकॉन्सेप्शन से ओद को लेके उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका प्राइस काफ़ी हाई है, अराउंड 10,000 से 12,000 का ये पड़ता है मार्केट में। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मेरा और आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ता रहे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो इस इंडोनेशियन सीक्रेट को आज खुलासा करने के लिए यहाँ पे मैं आ गया हूँ असम के एक चाय के बगीचे में, जिसका नाम है सरस्वती टी स्टेट। तो यहाँ पे हम इसका जो नोट्स है उसका ब्रेकडाउन करेंगे। तो इस परफ्यूम का जो प्रोमिनेंट नोट है वो है इंडोनेशियन ओद। मैं इसीलिए मतलब चाय के बगीचे में आया हूँ क्योंकि इंडोनेशियन जो ओद है उसमें एक हर्बल नोट होता है, उसमें एक चाय के पत्ती का जो नोट है वो मिलता है। काफ़ी डिफरेंस है इंडियन और इंडोनेशियन ओद में। इंडिया का जो ओद होता है उसमें एक एनिमलिक नोट है, उसमें एक एनिमलिक नेचर है उसका, जो इंडोनेशियन ओद में नहीं है। फर्स्ट में जो पहला स्प्रे करेंगे आप, तो थोड़ा सा मतलब इंडियन जो ओद है उसका फ्लेवर मिलेगा, लेकिन जस्ट 2 or 3 सेकेंड में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसमें एक अर्थिनेस मिलेगा आपको, और जो हर्बल एक ग्रीन नोट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसका जो ओपनिंग है उसमें आपको मिलेगा इंडोनेशियन ओद और ग्रेपफ्रूट का जो नोट है वो थोड़ा सिट्रस होता है और काफ़ी सेक्सी माना जाता है। तो ये जो इनिशियल नोट्स है वो अराउंड आधे घंटे तक आपको मिलेगा। इसके बाद आपका आ जाएगा आयरिस का नोट, तो आयरिस का एक नोट आएगा। इसके बाद आएगा आपका खुश का नोट, जो बाटीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो खुश यूज़ किया गया है वो वेस्टर्न टाइप का जो बाटीवर यूज़ करते हैं उसको यूज़ किया गया है, एक सोपीनेस रहता है उसमें। तो आयरिस का एक पाउडरीनेस मिलेगा आपको, एक बाटीवर का सोपीनेस मिड में मिलेगा, और इसका जो बेस है उसमें आपको एक मस्किनेस मिलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इस परफ्यूम के बारे में इसका जो नोट्स के ट्रांजिशन है, बैकड्रॉप में जो ओद यूज़ किया गया है वो खुद ब खुद चेंज होता है उसके स्मेल, और बाकी के जो नोट्स है वो तो अपने आप चेंजेस होते रहते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस में आपको प्रोजेक्शन जो है ये आपको मॉडरेट प्रोजेक्शन देगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि गर्मी के साथ साथ इसका जो प्रोजेक्शन है थोड़ा लाउड होता है, क्योंकि ये जो परफ्यूम है ये यूएई का जो वेदर है उसको नज़र में रखे उन्होंने बनाया है। मिडिल ईस्ट का जो वेदर है वो आप जानते ही होंगे, उसमें समर होता है और थोड़ा लो समर होता है, मतलब पूरा साल आपको गर्मी का मौसम मिलता है, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया है। और लॉन्जिविटी की बात करें तो अराउंड 4 to 5 hours तक मुझे लॉन्जिविटी मिलता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं जो परफ्यूम्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है उसका लॉन्जिविटी कम होता है। तो लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए क्या होता है, सिंथेटिक चीज़ें ऐड करना पड़ता है, लेकिन इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो जनरली नेचुरल ही होगा, इसलिए इसका जो लॉन्जिविटी है वो अराउंड 4 to 5 hours तक है पूरे कंपोजिशन का। लेकिन इसमें जो मास्क यूज़ किया गया है वो मतलब जनरली आप जानते ही होंगे कि मास्क
जो भी परफ्यूम में आजकल यूज़ होता है वो सिंथेटिक होता है, और क्योंकि जो ओरिजिनल मास्क होता है, डियर मास्क जो होता है वो बैंड है सब कंट्रीज में, तो ये सिंथेटिक होने के कारण काफ़ी टाइम तक लास्टिंग करता है। मास्क का जो नोट है वो लास्टिंग करता है, अराउंड 7 से 8 आवर्स तक स्किन पे रहता है, और एक आयरिस का भी हल्का सा नोट रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहेंगे इसका लॉन्जिविटी, तो मैं कहूँगा कि अराउंड 5 से 6 आवर्स तक आपको मैक्स मिलेगा। तो बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी था, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट वीडियो घर पे ही बना लेता हूँ। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा इसके वर्सेटिलिटी के बारे में, इसको आप पूरे साल यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको रिकमेंड करूँगा आप एक सिग्नेचर सैंड की तरह यूज़ करें, और जो प्रोफेशनल एक लुक होता है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा यह परफ्यूम। तो असरार इंडोनेशिया का जो रिव्यू है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ओद का जो नोट है उसके बारे में। तो ओद का नोट को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन है, और इसका कारण भी है क्योंकि कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जो मार्केट में लॉन्च हुए हैं उसमें ओद का नोट बोल के, लेकिन उसका जो ओद का नोट है वो कम्प्लीटली सिंथेटिक है। ओरिजिनल जो ओद का नोट होता है, जो स्मेल होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है। तो इसीलिए मैं कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूँगा, जैसे कि ये है 1 मंथ शो का ओड एडिशन। तो अगर आप फ्रेग्रेंटिका करके जो वेबसाइट है उसमें जाएंगे तो देखेंगे इसका प्रोमिनेंट नोट अगरवुड है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नोट है मुझे 10% भी जो ओद है, ओरिजिनल ओद है, उससे सिमिलर नहीं लगा है। और एक चीज़ का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि ऐसे भी कुछ परफ्यूम्स आते हैं जिनका नाम पे ओद टैग किया जाता है लेकिन उसमें ओद का नोट होता ही नहीं। जैसे कि अल हरामिन लेदर ओद करके एक परफ्यूम है, ये टस्कन लेदर का क्लोन माना जाता है, तो इसमें लेदर ओद यूज़ किया गया है वर्ड, लेकिन इसमें लेदर का मतलब ओद का कोई भी नोट बिल्कुल नहीं है। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि आपको एक पता चले कि ओरिजिनल जो ओद है उसका नोट कुछ अलग तरह का स्मेल करेगा सिंथेटिक नोट से, ठीक है। और एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओद जो है वो उसका स्मेल काफ़ी डिफरेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स के ओद है, जैसे कि इंडोनेशियन ओद है, इंडियन ओद है, कैम्बोडियन ओद है। तो ये जो अलग अलग तरह के ओद होते हैं उनका स्मेल भी अलग होता है। तो अगर आप जो ओरिजिनल ओद है उसका आप अगर आपको स्मेल लेना हो, एक सैम्पलिंग करना हो, तो इंडिया का ही एक कंपनी है अजमल का, उसका स्टोर हर जगह है इंडिया में, वहाँ पे जाइए आप, उनको उनके जो स्टोर है वहाँ में पूछिए कि मुझे भाई अगरवुड का जो सैम्पलिंग करना है वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अजमल एक ऐसा ब्रांड है जो ओद का जो रॉ मटेरियल है वो खुद प्रोड्यूस करता है। मतलब एग्रीकल्चर है यहाँ पे असम पे, मेरे घर के अराउंड 200 किलोमीटर्स पे पड़ता है वो, तो वहाँ पे आपको जो ओरिजिनल ओद है उसका एक अंदाज़ा मिल जाएगा, उसका एक क्या कह सकता हूँ, उसका एक फील मिल जाएगा आपको। तो आखिर में बात कर लेते हैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव परफ्यूम है कि नहीं, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वन ऑफ इट्स काइंड परफ्यूम है, इसका ऑल्टरनेटिव मैंने अभी तक स्मेल नहीं किया है, लेकिन इसका जो ओपनिंग नोट है अगरवुड और ग्रेपफ्रूट का, इस कंपोजिशन का एक परफ्यूम आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जो कि है अजमल का हल्लव, जिसका मैंने रिव्यू भी किया है। अगर इसका ओपनिंग आपको अच्छा लगता है तो वो परफ्यूम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका ओपनिंग और उस परफ्यूम का काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फिर एक बार मुलाकात होगा, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।